भारतीय शेयर बाजार सोमवार 18 दिसंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले दो कारोबारी दिनों में आई भारी तेजी के बाद निवेशक आज मुनाफा वसूली करते दिखे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसकी वजह से निवेशकों को आज शेयर बाजार से करीब 83,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स जहां 0.28% की बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.48% की तेजी देखी गई। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी टेलीकम्युनिकेशंस, सर्विसेज, फार्मा और कैपिटल गुड्स के शेयरों में देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी, आईटी, बैंकिंग और यूटिलिटी शेयरों के इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 168.66 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 38 अंक टूटकर 21,418 के लेवल पे बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज 18 दिसंबर को बढ़ के 358.73 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 15 दिसंबर को 357.87 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 86,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए। इसमें भी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 0.25% की तेजी रही। वहीं आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर करीब 0.60% से लेकर 0.99% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स के 19 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें सन फार्मा का शेयर सबसे ज्यादा 2.34% लुढ़का। वहीं आरआईएल, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स के शेयर 1.12% से लेकर 1.45% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। आइए जानते हैं कि 19 दिसंबर को कैसी रह सकती है शेयर बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि 18 दिसंबर को शेयर बाजार रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक इनसाइड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो इस बात का संकेत है कि बाजार आगे भी सीमित दायरे में कारोबार करता दिख सकता है। निफ्टी के लिए 21,330 पे सपोर्ट और 21,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो चल रही तेजी में संभावित रुकावट का संकेत है। इसके अलावा आवर्टली टाइम फ्रेम पे आरएसआई इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन के भीतर एक मंदी के क्रॉसओवर से गुजर रहा है, जो बाजार में आगे सुस्ती आने का संकेत है। 21,350 से नीचे की गिरावट शॉर्ट टर्म में निफ्टी को 21,220 से लेकर 21,100 की ओर ले जा सकता है। इससे उलट अगर बाजार में तेजी आती है तो निफ्टी को 21,500 पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।